हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से आपके लिए और एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैथ्स पजल के ऊपर। ऐसे बहुत से वीडियो बन चुके हैं मैथ्स पजल के ऊपर, अगर आप सारे वीडियो नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से अगर देख सकते हो या फिर अपने मोबाइल स्क्रीन पे आप कहीं भी टच करोगे ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा, आप आई बटन के हेल्प से भी आप सारे वीडियोज देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे आपको रूल्स पता है, आपको आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा और आपको 30 सेकंड दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए। अगर आपने 30 सेकंड में सॉल्व नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, 30 सेकंड के बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी कीजिए। तो ध्यान लगाइए, कुछ हिंट निकालने की कोशिश कीजिए जिससे आप इजीली सॉल्व कर पाओ। जल्दी कीजिए। टाइम खत्म होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखिए आपके सामने ये वाला क्वेश्चन था और आपको 30 सेकंड दिया गया था इसका आंसर निकालने के लिए। लेकिन देखिए, यहाँ पे इतने गोल गोल है भाई, दिमाग भी गोल गोल घूम जाता है कि आंसर कैसे आएगा। लेकिन कोई टेंशन ना लीजिए, बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा जिससे आपका आंसर आ जाएगा। अगर ध्यान दोगे अगर, तो आपको जो फाइंड करना है ये फाइंड करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो अगर ऑब्जर्व करोगे, अगर आप 36, 72, 36, 72 दो बार आप ऑब्जर्व करोगे, कुछ आपको हिंट निकलेगा कि 36 का जो डबल जो है वो 72 है और 72 का आधा जो है वो 36 है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर, देखिए कि 36 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा मैं तो 72 आ जाएगा, जो यहां पर आ गया। तो काम करते इसी चीज को यहां पे यूज कर लेते हैं कि देखिए यहां पर 1 और यहां पर 4 है, मतलब क्या है 14। तो 14 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे 2 मल्टीप्लाई किया था, यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई करता हूं, तो 14 2 कितना होगा 28 होगा। ये क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हो गया तो काम करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर 4 है और 3 है, तो 4 और 3 कितना होगा, 4 और 3 हो जाएगा अपना 43 हो जाएगा, राइट। अब 43 सब में मैंने 2 मल्टीप्लाई किया मैंने, तो वहां पे भी 2 मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 2 मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। देखिए 2 3 जा 6 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया। 8 तो ऑलरेडी यहां पर है, तो क्या नंबर बचेगा हमारा, 6 बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, 6 लिखेंगे। और जो मैंने लॉजिक आपको सिखाया मैंने कि देखिए 36 का डबल जो है 72 है और 72 का आधा जो है 36 है, ये भी चीज इसमें पॉसिबल हो रहा है। देखिए 28 का देखिए आधा देखिए 14 है और 14 का डबल देखिए 28 है। उसी तरह देखिए 43 का डबल जो है 86 है और 86 का हाफ जो है वो 43 है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। आपके स्क्रीन पे और एक क्वेश्चन आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी कीजिए। जिनको आंसर मिल गया है प्लीज कमेंट करके आंसर दीजिए और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना भूलें। जल्दी कीजिए। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने ये वाला क्वेश्चन था, देखिए ये क्या है, देखिए 926:24, ये इज टू मतलब रेशियो है आपके लिए। देखिए रेशियो का और प्रोपोर्शन का वीडियो बना चुका हूं मैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बहुत ही कमाल का वीडियो है, आप देखना ना भूलिए, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते, ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ये जो है भले रेशियो दिया हुआ है लेकिन कुछ कमाल की चीज है यहां पर। देखिए क्या कमाल की चीज, देखिए यहां पर कैसे यहां पर 24 आया। तो एक काम करते हैं हम लोग, देखिए 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 2 का क्या होगा 18 होगा, 9 2 का कितना होगा 18 होगा और 18 में मैं 6 प्लस करता हूं तो कितना होगा 24 होगा। क्लियर होगा। तो उसी तरह क्या करेंगे हम लोग, ये 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 का कितना होगा 63 होगा और साथ में क्या करेंगे, ये नंबर लास्ट और नंबर जो है उससे 9 प्लस कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो दो चीज में ये लॉजिक लग
लग गया है तो कहीं ना कहीं इसमें भी वही यूज करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, देखिए हम लोग 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45 होगा, और 45 करने के बाद जो लास्ट वाला नंबर है उसमें क्या करेंगे, प्लस 6 करेंगे, तो हमारा आंसर जो होगा वो 51 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, यहाँ होगा 51 होगा। ठीक है, तो ये इतना इजीली सॉल्व हो गया। अब देखते और एक क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी कीजिए। जरा भी स्ट्रेस ना लीजिए, जैसा आंसर आता हो आप कमेंट कर दीजिए, कोई बात नहीं, गलत होगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, 30 सेकंड के बाद आपको राइट आंसर बताने वाला हूं, तो बेफिकर होकर आंसर दीजिए। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते, देखिए आपके सामने ये वाला क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में हिंट कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए अब ध्यान दोगे, देखिए यहां पर 53 है और यहां पर 59 है, और ये बीच में देखिए ब्रैकेट में क्या दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, और यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है मतलब ये फाइंड करना है। अब दिमाग में ये लॉजिक लगाना है हमें कि भाई ये 3 कैसे आया होगा, ये 4 कैसे आया होगा। तो ध्यान दोगे इसको प्लस करके देखते हैं, तो 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अब देखिए यहां प्लस कीजिए आप, तो 5 प्लस 9 कितना होगा, 14 होगा। तो ये 14 और 8 कुछ लॉजिक नहीं निकल रहा है, कुछ उल्टा करके देखते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, प्लस की जगह हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 हो गया, और यहाँ पर 59 करोगे आप तो 59 कितना होगा, 45 होगा। अब ध्यान दोगे अगर आप 45 डिवाइडेड बाय अगर 15 करते हो तो क्या होगा, 45 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 3 45 हो गया, तो यहां पर 3 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह एक चेक करते हैं हम लोग कि इसमें वो काम आता है कि नहीं आता है। देखिए 9 2 जा कितना होगा, 9 2 जा 18 होगा। ठीक है, मैं यहां पर साइड पे लिख लेता हूं, यहां पर 18 होगा 9 2 जा। अब देखिए यहां पर 9 8 जा कितना होगा, 72 होगा। ठीक है, अब 72 को देखिए, 72 डिवाइडेड बाय 18 मतलब 72 डिवाइडेड बाय 18 होगा, तो देखिए यहां पर 18 4 जा 72 हो गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 4 आ गया। तो फिर ट्राई कर लेते हैं हम लोग, इसमें ट्राई कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर 3 4 जा कितना होगा, 12 होगा, मैं इसमें राउंड कर लेता हूँ यहाँ पर मैं, और 3 8 जा कितना होगा, 24 होगा। अब क्या करूँगा, देखिए इस 24 को 12 से डिवाइड दे दूंगा मैं, तो 24 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 24 अपॉन 12, तो 12 2 जा 24, इसी तरह यहाँ पर 2 आ गया। तो सेम लॉजिक यहां पर लगाएंगे हम लोग, देखिए यहां पर 79 जा कितना होता है, 63 होता है। ठीक है, और 71 जा कितना होता है, 7 होता है। तो क्या करूंगा मैं, 63 डिवाइडेड बाय 7 करूंगा मैं, तो 63 डिवाइडेड बाय 7 मतलब 79 जा कितना होता है, 63 होता है। मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, आंसर जो है वो 9 आंसर, तो राइट आंसर जो है वो 9 आ गया। देखिए देखिए और एक लॉजिक हो सकता है, देखिए दुनिया में बहुत से लोग हैं, सबके अलग अलग सोच है, तो कैसे भी करके वो आंसर निकाल सकते हैं। देखिए और एक लॉजिक बता दो, देखिए आप ध्यान दोगे यहां पर, देखिए यहां पर देखिए 3 है और यहां पर 3 है, तो 3 जा देखिए यहां पर 9 आ गया। उसी तरह देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, तो 2 4 जा 8 हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर ये 4 है, तो 4 2 जा कितना होगा, 8 होगा। और ध्यान दीजिए यहां पर 1 है, तो 1 9 लाने के लिए मुझे 1 9 9 करना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आपके स्क्रीन पे और एक क्वेश्चन आ चुका है, आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी कीजिए। बिंदास आंसर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत होगा तो भी, 30 सेकंड के बाद मैं ही आंसर बताने वाला हूं आपको। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन जो है काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हिंट निकालना भी काफी डिफिकल्ट होगा। देखिए क्या कर सकते, देखिए हम लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे यहां पर कि 3 2 8 4 9 3 4 6, तो काम करते हैं हम लोग हिंट निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर आप तो
इस तरह से हिंट निकालते, देखिए इस क्रॉस में, ठीक है। तो देखिए 3 8 जा कितना होता है 24 होता है, देखिए यहाँ पे 2 और 4 आ गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे 3 है, एक बॉक्स छोड़ दिया मैंने और जो नंबर यहाँ पर है तो 3 8 जा 24 हो गया, मतलब 2 4 24 हो गया। अब इसी लॉजिक को यहाँ पे लगाने की कोशिश करते, देखिए हम लोग यहाँ पर ये 9 है, ये 9 है, एक बॉक्स छोड़ दिया मैंने, ये नंबर को पकड़ लिया, तो 9 4 जा कितना होगा 36 होगा, तो यहाँ पर देखिए 3 6 36 हो गया। तो सेम लॉजिक यहां पे यूज करेंगे, देखिए हम लोग यहां पर कि ये एक बॉक्स ले लिया फर्स्ट और एक बॉक्स छोड़ दिया और यहां पे ले लिया हम लोग ने, तो 7 6 का कितना होगा 42, मतलब 4 2 42 होगा। तो हमें यहां पे भी हिंट यूज करते, देखिए यहां पर क्या करेंगे, पहला बॉक्स लेंगे हम लोग, एक बॉक्स छोड़ देंगे और इस बॉक्स को लेंगे हम लोग, तो देखिए यहां पर 5 है और 7 है, तो 5 7 जा कितना होगा 35 होगा, 35 होगा। 3 तो ऑलरेडी यहां पर है तो कौन सा नंबर आएगा, ये 5 जो है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहां पर 5 आएगा, मतलब आपका राइट आंसर क्या है 5 है। तो ये बहुत ही टफ था क्योंकि इसे सॉल्व करना आसान चीज नहीं है क्योंकि इसमें हिंट निकालना मुश्किल है। तो ऐसा सम आपके लेके आया हूं मैं कि आप पे प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो बोलते हैं ना लॉजिक जो है वो ज़्यादा इंप्रूव होगा, जिससे आप बड़े बड़े मैजिक कर पाओगे। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफ़िज़।